दहशतगर्दों के हमले में कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओजो का दफ्तर तबाह हो गया। कराची पुलिस ऑफिस की चौथी मंजिल पर वाकई एडिशनल आईजी के रीडर का दफ्तर और लिफ्ट भी तबाह हो गई। जगह जगह गोलियों के निशानात हैं। तबाही की दास्तान बता रखे हैं कराची से साजिद रऊफ। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त हम कराची पुलिस ऑफिस के चौथे फ्लोर पर मौजूद हैं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये इस वक्त जो है कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओड़ो का ऑफिस है, जहां पर वो बैठ कर तमाम जो दफ्तरी मूर होते हैं वो यहां से निपटाते हैं। अगर हम बात करें कि जो दहशतगर्द हमला जो हुआ है उसके नतीजे में जो तबाही इस कराची पुलिस ऑफिस के अंदर हुई है, वो आप मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा किस तरह की जो है यहाँ पर तबाही हुई हुई है। बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर नुकसान हुआ हुआ है, तमाम शीशे दरवाजे और जो ग्रिल दीवारों को नुकसान पहुँचा हुआ है। गोलियों के निशानात यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह तबाही हुई है। पूरा ऑफिस जो है वो मुकम्मल तौर पर इस हमले के नतीजे में तबाह हो गया है। कैमरामैन दिखाएंगे कि ये उनके रीडर का एडिशनल आईजी कराची के रीडर का ये ऑफिस था, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। साथ साथ यहाँ पर दिखा सकते हैं यहाँ पर कुछ शीशे भी पड़े हुए हैं। बात करें कि चौथे मंजिल पर जो खुदकुश हमलावर ने जो अपने आप को धमाके से उड़ाया है वो ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर खुदकुश बमबार ने जो है अपने आप को खुद धमाके से उड़ा लिया, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर तबाही हुई है। ये लिफ्ट, इसकी यहाँ पर दो लिफ्टें लगी हुई हैं, एक लिफ्ट जो है मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है वो तबाह हो गई है। गोलियों के निशानात आप देख सकते हैं